जिला मुख्यालय बिलासपुर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। बिलासपुर के मुख्य बस स्टैंड के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिला उपायुक्त कार्यालय तक बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोगों ने रैली निकाली। इसी दौरान इंटक के राज्य सचिव परवेश चंदेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है और तानाशाही तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में जो 44 श्रम कानून बनाए गए थे, उन श्रम कानूनों को सरकार द्वारा खत्म किया गया है और किसानों को समर्थन मूल्य अभी तक नहीं दिया गया। साथ ही जो देश की परिसंपत्तियां हैं, उन्हें निजी हाथों में बेचने की केंद्र सरकार द्वारा साजिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनसे इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिलासपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर के जिलाधीश कार्यालय तक विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने रैली निकाली, जिसका जो मकसद है आपको पता है, जैसे जो 44 मजदूरों के कानून थे जो इस देश के अंदर ब्रिटिशर्स से लेकर के तमाम सत्ताओं के खिलाफ लड़ करके मजदूरों ने सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, तमाम दूसरे अधिकार लिए थे, उनको मोदी सरकार जो है लगातार तोड़ करके 4 लेबर कोड में उनको बांटने जा रही है, जिसका तमाम देश के मजदूर आंदोलन के जो लोग हैं वो विरोध करते हैं। उसमें जो भारतीय मजदूर संघ है वो भी लगातार इस चीज़ का विरोध करता रहा है, और AITUC और C2 और इंटक तमाम जो 12 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन हैं, इसके अलावा बैंक, LIC, पोस्टल कर्मचारी, तमाम इंडिपेंडेंट यूनियन है, तमाम जो है इस देश के जो इदारों को बेचने के लिए डिफेंस के एम्प्लॉइज, इसकी भारत माता के आभूषण है, उनको बिकने नहीं देगा। इसलिए आज वो इकट्ठा हुआ है और 2 दिवसीय हड़ताल है, और आज और कल तमाम मजदूर इस देश के अंदर, वो चाहे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर के पोरबंदर तक, तमाम मजदूर हड़ताल के ऊपर हैं।